मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम क्या करने वाले हैं? राइम्स। यस, सो पहले स्टार्ट करने से पहले वी विल स्टार्ट विद अवर शॉर्ट प्रेयर, राइट? राइम स्टार्ट करने से पहले हम शॉर्ट प्रेयर करेंगे। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्म निशेष जाड्यापहा। ओके, नाउ ओपन योर आइज वंस अगेन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम राइम्स सीखेंगे, वन इन इंग्लिश एंड वन इन हिंदी। सो इंग्लिश में हमारे राइम का नाम क्या है? आई एम लिटिल टीपॉट। फर्स्ट तो मैं ये समझाऊं कि ये राइम्स कहना क्या चाहती है, क्या मतलब है इस राइम्स का। तो टीपॉट वो होता है जिसके अंदर चाय रखते हैं। आप जब बाहर शॉप पे कहीं चाय पीने जाते हो तो ऐसा हैंडल वाला एक उनके पास टीपॉट होता है जिसके अंदर वो चाय रखते हैं, फिर उसके अंदर से ऐसे गिरा के हमको कप में देते हैं, राइट? सो आप सबने टीपॉट देखा होगा, है ना? या किटली कह लो, चाय की किटली, चाय का टी पॉट जिसके अंदर हम टी रखते हैं, वो वाला पॉट। तो पहले राइम्स क्या है वो वन बाय वन मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। आई एम लिटिल टी पॉट, मैं एक छोटा सा टी पॉट हूँ। स्वीट एंड स्टाउट, प्यारा सा क्यूट सा हूँ मैं, ठीक है? हियर इज माई हैंडल एंड हियर इज माई स्पाउट, मतलब ये मेरा हैंडल है जिससे आप पकड़ते हो और यहाँ से चाय बाहर आती है, स्पाउट से चाय बाहर आती है, राइट? फिर थर्ड लाइन है, व्हेन आई गेट ऑल स्टीम्ड अप, मतलब गरम गरम चाय आप रखोगे, उसके ऊपर ढक्कन लगा दोगे तो उसमें से जो स्टीम निकलेगी वो पूरी ऊपर आ जाएगी, है ना? तो जब पूरी स्टीम ऊपर आ जाती है ढक्कन बंद होने के कारण, उसमें एक विसल जैसी आवाज आती है, तो वो जो विसल जैसी आवाज आती है उसके लिए टीपॉट कहता है कि हियर एंड शाउट। अभी मैं शाउट करता हूं कि टिप मी ओवर एंड पॉर मी आउट, मतलब मुझे उठाओ और जल्दी से कप के अंदर चाय निकाल लो क्योंकि बहुत ज्यादा स्टीम हो रही है ना? सो ये उसका हिंदी में मीनिंग है उस राइम का, राइट? और दूसरी राइम तो हिंदी में है तो आप सबको समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट अपन इंग्लिश वाली राइम्स टू टाइम्स कर लेते हैं, ठीक है? आई एम लिटिल टी पॉट, स्वीट एंड स्टाउट, हियर इज माई हैंडल, हियर इज माई स्टाउट, व्हेन आई गेट ऑल स्टीम्ड अप, आई एम जस्ट शाउट, टिप मी ओवर एंड पॉर मी आउट। समझ में आया? सिंपल है, 4 to 5 लाइन्स है। I am little teapot, sweet and stout. Here is my handle, here is my spout. When I get all steamed up, tip me over and pour me out. समझ में आ गया सबको? तो बहुत इजी राइम है, दो तीन बार सुनोगे, दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये राइम्स आ जाएगी, ठीक है? अब हिंदी वाली राइम करते हैं हम। एक मोटा हाथी, ठीक है? एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा, जाल को देखा देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। दो मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी की जाल में जा
इधरा इधरा तीन मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसे, जाल को देखा देख के डरे, चौथे हाथी को इशारे से बुलाया इधरा इधरा इधरा। चार मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसे, जाल को देखा देख के डरे, पांचवे हाथी को इशारे से बुलाया इधरा इधरा इधरा। पांच मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसे, जाल को देखा देख के डरे, सबने मिलके जाल को तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया। देखो हाथी भी बनाया है मैंने, ऐसा दिखता है ना एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में हाथी बोलते हैं, है ना, आप सबको पता है। सो कैसी लगी दोनों राइम्स, मजा आया आप सबको? ओके, सो एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ इंग्लिश वाली, और एक बार फिर से हिंदी वाली भी बोल देती हूँ, ठीक है? फिर से आपको सुना। आई एम लिटिल टी पॉट स्वीट एंड स्टाउट, हियर इज माय हैंडल, हियर इज माय स्पाउट, व्हेन आई गेट ऑल स्टीम्ड अप, आई जस्ट शाउट, टिप मी ओवर एंड पॉर मी आउट। समझ में आया? फिर से एक बार करूं। आई एम लिटिल टी पॉट स्वीट एंड स्टाउट, हियर इज माय हैंडल, हियर इज माय स्पाउट, व्हेन आई गेट ऑल स्टीम्ड अप, आई जस्ट शाउट, टिप मी ओवर एंड पॉर मी आउट। समझ में आ गया ना? सो ये राइम आपको अच्छे से लर्न करनी है इंग्लिश वाली, और हिंदी वाली भी मैं आपको एक बार फिर से बोल के बता देती हूँ, ठीक है? एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा, जाल को देखा देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया इधरा इधरा इधरा। दो मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसे, जाल को देखा देख के डरे, तीसरे हाथी को इशारे से बुलाया इधरा इधरा इधरा। तीन मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसे, जाल को देखा देख के डरे, चौथे हाथी को इशारे से बुलाया इधरा इधरा इधरा। चार मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसे, जाल को देखा देख के डरे, पांचवे हाथी को इशारे से बुलाया इधरा इधरा इधरा। पांच मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसे, जाल को देखा देख के डरे, साथ मिलके जाल को तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया। मजा आया कैसे पांचों ने मिलके जाल को तोड़ दिया? एक अकेला नहीं तोड़ पाया, फिर दो ने मिलके ट्राई किया तो भी नहीं टूटा, तीन के तीन ने मिलके, फिर पांच मिल गए तो फिर तो जाल को टूटना ही था, है ना? तो तीन पांचों ने मिलके मकड़ी का बड़ा सा जो जाल था उसको तोड़ दिया। सो आई होप आपको दोनों राइम्स बहुत अच्छी लगी होंगी। सो इन दोनों राइम्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? इंग्लिश और हिंदी, मैंने इंग्लिश वाले राइम्स का भी पूरा मीनिंग आपको बता दिया है कि उस राइम में क्या कहना चाहता है। टीपॉट पे है पूरा, टीपॉट अपने बारे में बता रहा है कि मैं कैसा हूँ। आई एम लिटिल टीपॉट, मैं एक छोटा सा टीपॉट हूँ। स्वीट एंड स्टाउट, बहुत अच्छा सा छोटा सा स्वीट क्यूट सा हूँ। हियर इज माई हैंडल, ये मेरा हैंडल है। हियर इज माई स्पाउट,
जहां से चाय बाहर आती है. When I get all steamed up, मतलब जब सारी स्टीम ऊपर की तरफ आ जाती है तो I just shout, मैं तब shout करता हूँ कि tip me over and pour me out, मुझे उठाओ और अंदर से चाय को बाहर निकालो. ठीक है, so ये दोनों rhymes अच्छे से learn कर लेना. फिर मिलेंगे, तब तक के लिए bye, take care.